पाकिस्तान को कल बहुत बड़ी हार मिली है और एक तरह से उन्हें रियलिटी चेक मिला है। सब कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम ओडीआई रैंकिंग के हिसाब से नंबर 2 पे है और कुछ समय के लिए नंबर 1 पे भी रही। तब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम बेस्ट है, बट ये रियलिटी चेक पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था। बाबर आजम ने कल प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, वेदर वॉज नॉट इन आर हैंड्स बट वी ट्राइड आर बेस्ट, वी वर नॉट अप टू द मार्क विद आर बैटिंग एंड बोलिंग, दे हैड प्लान्स फॉर आर बोलर्स एंड स्टार्टेड वेल एंड दैट वॉज फॉलोड अप बाय विराट एंड राहुल। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वेदर उनके हाथ में नहीं था बट उन्होंने बेस्ट ट्राई किया, बट उनकी बैटिंग और बोलिंग बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं थी। और इंडियन ओपनर्स के बाद हमारे बोलर्स के लिए बहुत अच्छे प्लान्स थे जिसे विराट कोहली और केएल राहुल ने बहुत अच्छे से कंटिन्यू किया। तो ये तो रही बाबर आजम की स्टेटमेंट। अगर बात करें इनकी परफॉर्मेंसेस की तो पहले पाकिस्तानी बोलिंग की बात कर लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान के अलावा किसी के हाथ भी विकेट नहीं लगी, सबकी इकॉनमी बिल्कुल खराब रही, सबने 5 के ऊपर की इकॉनमी से रन दिए और एक तरह से उन्होंने रन दिए नहीं, रन बहाए हैं। अब अगर बात करें पाकिस्तान की बैटिंग की तो फखर जमान, इमाम उलक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान सभी पूरी तरह से फेल रहे। लेकिन अगर बात करें बाबर आजम की तो इंडिया के खिलाफ उनके रिकॉर्ड्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, कल भी वो सिर्फ 10 रन बना के आउट हो गए। फखर जमान ने भी 27 रन बना के अपनी विकेट दे दी, आगा सलमान भी 23 पर आउट हो गए और इफ्तिकार अहमद भी 23 रन बना के आउट हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनकी फील्डिंग में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जो उन्हें जल्द से जल्द इंप्रूव करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान एशिया कप 2023 के फाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं? हम ऐसे ही आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।